हेलो पेरेंट्स, आज मैं आपके सामने PBS का चैप्टर 3 लेकर आई हूँ जिसका नाम है माय स्कूल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, और पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स इस अपने अलावा एक स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करता है, और स्कूल में कई तरह की एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। I am Abraham. This is my school. जैसे ये स्कूल बना हुआ है तो यहाँ पे हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो Abraham है जो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है। The name of my school is Little Spark School. तो इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन हो गया कि स्कूल के बारे में बता रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ भी है लिटिल स्पार्क स्कूल। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तो बच्चे के स्कूल का क्या नाम होगा, वो आप यहाँ पे बच्चे का स्कूल का नाम लिखवा सकते हैं, जैसे KDB पब्लिक स्कूल। वी गो टू स्कूल टू लर्न दीज थिंग्स। हम जो है बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए जाते हैं स्कूल में, वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग और ड्राइंग। वी वेयर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, वी कैरी आवर टिफिन, वाटर बॉटल एंड द स्कूल बैग। हम जो है जब स्कूल जाते हैं तो क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपना टिफिन ले जाते हैं, टिफिन मीन्स जिसमें हम लंच रख के ले जाते हैं, और वाटर बॉटल पानी की बॉटल, और अपना स्कूल बैग। वी लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। स्कूल में जब हम जाते हैं तो बहुत सी अच्छी आदतें सीखते हैं। वी शेयर आवर लंच विद आवर फ्रेंड्स, और हम अपना जो लंच है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। देयर आर मैनी रूम्स इन अ स्कूल, सम ऑफ देम आर क्लासरूम, माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग एंड एयरी। मेरे स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, और सभी जो क्लासरूम जो कमरे हैं वो कैसे हैं, एयरी हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। एयरी का मतलब है कि उस रूम में क्या है, बहुत सारी विंडोज लगी हुई होंगी और उसमें से हवा आती है। देयर इज़ अ डेस्क एंड अ चेयर फॉर एवरी चाइल्ड। मेरे स्कूल में हर बच्चे के लिए चेयर और डेस्क भी अवेलेबल है। देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड ऑन द वॉल, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है दीवार के पास क्या है, ब्लैक बोर्ड है। द टीचर राइट्स ऑन इट विद ए चॉक, और टीचर उस पर कैसे लिखती है, चॉक से लिखती है। देयर इज़ अ डस्टबिन इन अ कॉर्नर, और मेरी क्लास में एक डस्टबिन भी रखा होता है कॉर्नर में, कोने में। वी थ्रो वेस्ट पेपर्स इन इट, और हम जितने भी वेस्ट पेपर होते हैं वो उस डस्टबिन में फेंक देते हैं। नेक्स्ट आता है आवर हेल्पर्स इन स्कूल, जैसे कि पिक्चर्स में नजर आ रहा है देयर आर मैनी पर्सन्स हु हेल्प अस इन स्कूल। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनकी वजह से स्कूल चलता है, और जिनकी हेल्प से हमें बहुत सारी ज़रूरतें जो हैं वो हमारी पूरी होती हैं, जैसे दे आर प्रिंसिपल, जो सबसे मेन हेड होता है स्कूल का वो प्रिंसिपल, पियॉन जो हर पीरियड पे घंटी बजाता है पियॉन, और उसके अलावा गार्डनर जो कि माली होते हैं जो पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, और जिन मतलब स्कूल्स में जो गार्डन होते हैं उनकी भी देखभाल करते हैं। उसके बाद एक टीचर जो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। डॉक्टर जो बच्चों का इलाज कराते हैं, या जैसे बीच बीच में स्कूल में कैंप लगते हैं तो उसमें बच्चों का टेस्ट किया जाता है, और उसके अलावा वॉचमैन जो कि देखभाल करता है स्कूल। चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद आप बच्चों को कुछ इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक बुक में ये दिया हुआ है, टिक द थिंग्स यू कैरी इन योर स्कूल बैग। स्कूल बैग में आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेकर जाते हैं, उनको हमें क्या करना है, टिक लगाना है। जैसे नर्सरी राइम्स, अब क्लास फर्स्ट की बुक है, बच्चा क्लास फर्स्ट में पढ़ता है, तो यहाँ पे जो बुक बनी हुई है वो नर्सरी राइम की बनी हुई है, तो नर्सरी की बुक तो बच्चा लेके जाएगा नहीं। उसके अलावा पेंसिल पेटिक, टिफिन भी, बॉल नहीं लेके जाएगा। इसके अलावा बैट भी नहीं लेके जाएगा, मोबाइल भी नहीं लेके जाएगा, वाटर बॉटल लेके जाएगा, और इसके अलावा कलर्स लेकर जाएगा।
उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज वी शेयर आवर लंच विद, हम अपना लंच किसके साथ शेयर करते हैं, अभी बताया था मैंने वॉचमैन या फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ। वी गो हेयर टू लर्न मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करने कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल या स्कूल, स्कूल। द हेड ऑफ द स्कूल इज, स्कूल का हेड कौन होता है, वॉचमैन या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आप बच्चों को होमवर्क करा सकते हैं। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर इज डैश इन ए कॉर्नर, कॉर्नर में क्या बताया था मैंने, डस्ट बिन। देयर आर मैनी डैश इन अ स्कूल, स्कूल में क्या बताया था, क्लासरूम। वी गो टू स्कूल टू लर्न गुड हैबिट्स, यहाँ पे दो तीन चीजें आ सकती हैं, आप रीडिंग भी लिखवा सकते हैं बच्चों को, लर्न रीडिंग। द टीचर राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड। वी वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हु इज योर क्लास टीचर, स्कूल से रिलेटेड हम पूछ रहे हैं, तो क्लास का टीचर का नाम बताना है, मिसेस सरिता शर्मा। नेक्स्ट हु इज द हेड ऑफ द स्कूल, अभी बताया था मैंने, प्रिंसिपल। व्हाट डू यू लर्न इन द स्कूल, वी लर्न गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।